मैं भी किसी की दुल्हन बनती कितनी अच्छी लगती। मेरे हाथों पर भी किसी के नाम की मेहंदी सजती, मैं किसी के लिए सजती सवरती, किसी के लिए फूलों की सेज बनाती। बाजी ये सब क्या है? कुछ नहीं, बस वो वैसे ही। तुम मुझसे छुपकर दुल्हन बन रही थी ना? नहीं नहीं पागल हो तुम क्या, बस मैं तो वैसे ही दुपट्टा ओढ़ के चेक कर रही थी कि रेड कलर कैसा लग रहा है मुझ पे। अब तुम अपनी बहन से झूठ भी बोलोगी, बहुत बुरी बात है वैसे बाजी। चलो मुझे भी दिखाओ तुम दुल्हन बन के कैसे लगती हो। प्यारी लग रही हो वैसे तुम। अच्छी लग रही हो ना? मेरी शादी हुसनारा की जगह अजीम से होनी चाहिए थी ना। वैसे ना बाजी, तुम्हें ना शान मिला में से किसी से शादी कर लेनी चाहिए थी। ना ही तुमने साबिर भाई से की, ना ही शगुन तुम्हारे हाथ में आया, और अजीम तो तुम्हारी पहुंच से वैसे ही बहुत दूर था। ये मेरा काम नहीं था, ये तो अम्मा के इंतकाल के बाद राश्ता बाजी का काम था ना कि वो मेरे बारे में सोचती। लेकिन अम्मा भी और राश्ता बाजी ने तो मेरे लिए कुछ सोचा ही नहीं। मेरी प्यारी बहन, तुम अपना दिल छोटा मत करो, तुम्हारा भी कहीं ना कहीं जोड़ा लिखा होगा, बस हमें उसे जमीन पर खोजने की देर है। फिर तुम भी किसी की दुल्हन बनोगी और फिर मैं तुम्हारे लिए गाना गाऊंगी, मेरी प्यारी बहनिया बल्ले की दुल्हनिया। चाय समझ नहीं आता, तुम चाय बनाती हो या पाए? हद होती है, यकीन ना तो खुद चल के देख लीजिए गैस कम आ रही है। वाह, एक तो ये अच्छा बहाना मिल गया तुम औरतों। इलेक्ट्रिक स्टोव है ना, उस पे बना दिया करो। अरे उस पे टेस्ट अच्छा नहीं बनता है। ये अच्छी मंतक है। इसी बात पे यकीन ही नहीं आपको तो मैं क्या करूं। अब्बू वो मेरी अयान के अम्मी से बात हुई है, वो लोग कल आ रहे हैं। क्या बात कर रही हो, तुमने उनसे बात क्यों की? याद नहीं है कि पिछली बार उनकी वजह से कितना बड़ा मसला खड़ा हो गया था? अजीब बातें कर रही हो, और कोई शर्मो लिहाज भी नहीं है, बाप के सामने ये सारी बातें कर रही हो। अब्बू आप इन्हें बता दें कि वो लोग कल आ रहे हैं रिश्ता लेके। या अल्लाह इस लड़की को अकल दे, क्यों कर रही हो ये सब तुम? जहरा मैं समझाता हूँ, और कुछ कहा उन्होंने? जी अब्बू वो लोग कल आएंगे रिश्ता लेके, आप एक दफा यान के अबू से बात कर लीजिएगा। मैंने आपको इसलिए बता दिया ताकि आपको पहले से खबर हो। या अल्लाह ये दोनों बाप बेटे के बीच में क्या खिचड़ी पक रही है, कोई मुझे बताएगा? बेटा तुम जाओ मैं बात करता हूँ। नहीं हो रहा है शमीम, बोलिए ना। बिल्कुल उसी तरह जैसे मुझे चाय का इंतजार नहीं हो रहा था। शमीम आप भी ना बताइए क्या बात है। दरअसल हुआ ये कि जब तुमने मशवरा दिया और अब्बा मियां ने मशवरा दिया, तो मैंने सोचने के बाद फिर फैसला कर लिया कि मैं आयन के अब्बा से बात करूं, और बात करने के बाद पता चला कि वो भी अपने बेटे की मोहब्बत में इतने मुतला है कि उन्होंने हाँ कह दिया। आप भी कमाल करते हैं, इतनी बड़ी खुशखबरी आपने मुझसे छुपा के रखी हुई थी। सच कहूं तो मुझे डर लग रहा था कि शायद ऐसे हो ना पाए। अब बताऊंगा राशिदा भाभी को कि मेरी बेटी कितनी अहम है, कि उसकी कदर करने वाले लोग उनसे ज्यादा बड़े घर वाले हैं, और मेरा होने वाला दामाद कासिम से बेहतर है। चाय पीजिए ठंडी हो जाएगी। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। देखो साबिर बेटा, तुम तो बहुत समझदार, तुमसे ये तवक्को नहीं थी मुझे। अम्मा भी मैं माफी चाहता हूँ आज। दरअसल अगर मैं रास्ते की बात ना मान लेता तो मुझे डर था कि घर में फिसाद होगा। हाँ मैं समझ सकती हूँ, मगर अभी एक मसला और है।
वो क्या? अजीम। अजीम का क्या? भाई अजीम का निकाह हुआ है हुसनारा के साथ, और निकाह की रात ही वो चला गया अस्पताल हुसनारा को छोड़ के। अच्छा, किसी ने जिक्र ही नहीं किया, कुछ पता ही नहीं चला मुझे। अब बेटा तुम उसे समझाओ कि इस तरह से हक तलफी ना करे, कैसे निभाएगा ये? अभी ये बात मैं कैसे समझा सकता हूँ? सच पूछे ना तो मुझे अंदेशा था इस बात का। मैं, मेरी ख्वाहिश नहीं थी, मैं खुश भी नहीं था इस शादी से। खुश तो मैं भी नहीं थी, अजीम भी नहीं था, मगर अब तो निकाह हो गया है ना, तो निभाना भी है। तो बेटा तुम बात करो ना इससे। हम अब ये बात किसी को कह के कैसे करवाई जा सकती है? मुझे लगता है ये तो देहों के मामले हैं। अगर दिल ही माने तो ठीक है, अगर दिल ना माने तो दिल दुनियादारी तो नहीं देखा करता। अब तो हुसनारा के ऊपर ही है कि वो किस तरह अजीम के दिल में जगह बनाती है और इस मसले को हल करती है। जी जी, वो सब तो ठीक है, लेकिन आपका होना लाजमी था। चले जैसे आपकी मर्जी। अजीब लोग हैं, ना रस्मों का पास है ना रिवायत का। जी डार्लिंग, आपको उस दिन बताया तो था, ना लड़की ने ना लड़की के घर वालों ने उस दिन फोन उठाया। जी हम जा रहे हैं, डोंट क्यों वरी, जस्ट रिलैक्स, बाय बाय। इनको चैन नहीं है, वहां बैठे हुए भी अपने बेटे के लिए पागल हो रहे। मां मुझे तो ये नहीं समझ आ रही, आप शादी के लिए मान कैसे गई? रिश्ता ले जाने से पहले कुछ तो ड्रामा करती हैं आप। अरमान मेरी जान, मैं तो चाहती हूं कि ये लड़की इस घर में आए और मैं उसको इतना तंग करूं कि अयान उसको यहां से लेके चला जाए और हमारी जान छूट जाए। मॉम आपको क्या लगता है, डैड उसे छोड़ देंगे? कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा अरमान, कोई ना कोई प्लान तो बनाना पड़ेगा, वरना ये सारी जायदाद हमारे हाथों से निकल जाएगी। कोई प्लान बनाओ ना। प्लान मेकर तो आप है मॉम। बताना मुझे। ओके। कॉफी तो भिजवा दे। ओके। वायान के फादर की कॉल आई थी अम्मा पी। वो कह रहे थे कि उनकी वाइफ और बेटा तो रिश्ता लेकर आएगा, लेकिन वो नहीं आएंगे। अल्लाह, ये कौन सी बात हुई? ये कोई तरीका हुआ रिश्ता भेजने का? शमीम बेटा, अपना दिमाग जरा ठंडा रखा करो। तुम लड़की वाले हो और लड़की वालों में ये अकड़ अच्छी नहीं होती। अभी वो अपने आप को समझता क्या है? जब अपने से बड़े घर में रिश्ता करोगे तो फिर ये नखरे तो बर्दाश्त करने पड़ते हैं। और वैसे भी हम लड़की वाले हैं तो लड़के वालों के नाज नखरे तो उठाने पड़ते हैं ना। ये कैसी बात हुई अम्मा भी? एक तो अपने जिगर का टुकड़ा दो, अपनी बेटी दो, और फिर सर झुका के खड़ा रहो। नहीं जी, मैं मना कर देता हूं। कह दूंगा जब वो दुबई से आ जाए ना तो तरीके से रिश्ता लाए। अरे नहीं शमी, और रिश्ता तो वैसे भी घर की खवातीन लेकर आती हैं, उनको आने दो, जो भी कसर रह जाएगी ना वो निकाह में पूरी कर लेना तुम। जी अम्मा भी। देखिए मोहब्बत सतरंगी पीर से जुम्मा रात 7 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।